मैं संगीता शर्मा, रोटरी क्लब उदयपुर युवा की प्रेसिडेंट। अभी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरावली हॉस्पिटल में स्तन कैंसर जांच शिविर और अवेयरनेस कैंप। महिलाओं में बहुत ज़्यादा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता हुआ देखकर रोटरी क्लब की ये पहल है कि हम महिलाओं में जागरूकता फैलाएं और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। क्यों? क्योंकि मैमोग्राफी इसका एक उपाय है कि हम लोग स्तन कैंसर को किस तरीके से जांच कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा पेनफुल होता है। उससे पहले हम अगर पेनफुल भी नहीं हो और अर्ली डिटेक्शन हो जाए और शरीर में मुश्किलें भी कम आएंगी, और इसीलिए अरावली हॉस्पिटल के साथ हमारी एक बहुत अच्छी पहल हुई है। आज ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और 8 दिन के लिए यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मनीषा है और मैं जेनवर्क्स हेल्थ केयर से हूँ। सो ये हमारी एक डिवाइस है जिसे हम ब्रास्टर प्रो बोलते हैं, और ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग डिवाइस है जो अर्ली डिटेक्शन थर्मोग्राफिक चेंजेस जो होते हैं उनको डिटेक्ट करके एक अर्ली स्क्रीनिंग के थ्रू, जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट, उसी की तरह ये एक स्क्रीनिंग है जिससे हमें इन फ्यूचर कोई भी वैस्कुलैरिटी या कोई चेंजेस आते हैं फीमेल्स में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के टाइम, तो वो डिटेक्ट कर देता है, जिसकी मदद से आगे फ्यूचर में कोई भी अबनॉर्मलिटी है उसका पहले ही पता लग सकता है और उसको टाइम पे हम उसका सॉल्यूशन दे के उस में भी फ्यूचर डिजीज़ को डिटेक्ट करके टाइम पे उसका इलाज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, अरावली हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज रोटरी के थ्रू हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करा है जो पूरा वीक चलेगा, बिटवीन 12 to 3। ये इसलिए किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकें हम और उसको अवॉइड कर सकें या उसका ट्रीटमेंट जल्दी कर सकें। इस स्क्रीनिंग डिवाइस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MRI जैसे हम जो भी करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी एक पेनफुल प्रोसीजर है और उसमें रेडिएशन जाते हैं। पहली चीज़, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, उसमें कोई पेन नहीं होता है। दूसरा, अगर हम MRI वगैरह करते हैं तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता इतना, तो ये फ्री है, इजी प्रोसीजर है, लेस कॉस्ट है। दूसरा, इसमें 2-3 चीज़ों में हमको अवॉइड करना होता है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम ये नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को अगर फीवर है तो हम नहीं कर सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है तो हम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सारी फीमेल्स जो हैं इस दौरान 15 से 25 साल की उम्र में या 15 से 40 साल की उम्र तक की जिसको भी कोई तकलीफ है, कभी भी आके फ्री में स्क्रीनिंग अरावली हॉस्पिटल में करा सकते हैं 12 से 3 बजे के बीच में, संडे के अलावा। मैं डॉक्टर जुबैदा सैफी बोल रही हूँ, अरावली हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। ये संगीता मैडम ने बड़ा अच्छा बताया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन 15 से 40 साल की उम्र बताई है, लेकिन अबव 40 ईयर्स अप टू 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक भी करवा सकते हैं इनका, क्योंकि ज़्यादा चांसेस अबव 40 ही होता है, इसलिए करके प्लीज़ ध्यान रखिए ये बात का। मैं डॉक्टर ज़हरा अब्बास, अरावली हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और बातें सब यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग आएँ और अपनी स्क्रीनिंग कराएँ ताकि इसका फ़ायदा अपन उठा सके। जो रोटरी क्लब ने ये इनिशिएशन लिया है पब्लिक के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है, और प्लीज़ आप लोग आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। मैं प्रावधा राठौर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्लब युवा उदयपुर। देखिए, मेवाड़ न्यूज़ के माध्यम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगी, जितने भी लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं उठाएँ, और हम अर्ली डिटेक्शन इसमें जितना हो सकता है किसी भी वर्ग और किसी भी एज ग्रुप के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अरावली और रोटरी क्लब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जितनी भी महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं आप उठाएं, क्योंकि एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसा पैनडेमिक है ये, जो स्लोली डिटेक्ट होता है पर बहुत टाइम बाद। हम लोग बहुत स्लो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी उजागर नहीं हो पाते हैं सर, और हेल्थ के लिए हम थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं कि नहीं, मतलब मुझे ये होना नहीं चाहिए, इस तरह की मेंटलिटी के साथ जब हम डील करते हैं तो हम बहुत लेट डिटेक्ट कर पाते हैं किसी भी तरह के कैंसर को। और ब्रेस्ट कैंसर आजकल इन महिलाओं में बहुत तेज़ी से फैलती बीमारी है, और कितनी महिलाओं को है भी, जब वो डिटेक्ट कर पाते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर है अभी, जिस तरह से अभी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये पेनलेस है, और ऊपर से ये अबव 40 तो होता ही है, निःशुल्क है, अबव 40 तो होता ही है, पर 40 मीन्स कि आप अर्ली एज पे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 ईयर्स तक की आपको डिटेल्स देता है कि हाँ अभी आप 10 ईयर्स तक सेव हैं, बिकॉज हर 5 to 10 ईयर्स में आपको ये रिपोर्ट करानी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो मेरी सबसे महिलाओं से रिक्वेस्ट है अबव 18
और अबव 40 कोई भी एज ग्रुप के आप आएँ और इस शिविर का फ़ायदा उठाएं। मैं मेघना शिमाली, CEO अरावली हॉस्पिटल। जैसा कि अभी हम सब ने बताया ही है डॉक्टर्स ने, कैंप की डिटेल्स मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर करना चाहूँगी। कैंप 16 तारीख से 22 तारीख तक एक हफ्ते तक दिन में 12 से 3 बजे तक चलेगा, जिसमें कभी भी आप लोग सभी आके शिविर का लाभ ले सकते हैं। कैंप बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम हेतल वाडिया है एंड मैं जनवक्स हेल्थ बैंगलोर से हूँ। सो ये हमारा मशीन ब्रेस्ट स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए है। ब्रासर करके डिवाइस का नेम है एंड पॉलिश टेक्नोलॉजी है। सो नॉर्मल हम असिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए। सो ये डिवाइस में कोई रेडिएशन नहीं है, पेन फ्री प्रोसीजर है। सो हम इजीली अबाउट 20 एज के पेशेंट का स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अराउंड स्क्रीनिंग टाइम 12 टू 15 मिनट का रहेगा एंड इसमें रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। सो नॉर्मल कोई भी हेल्दी पेशेंट है, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उनका हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। सो अभी हम बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है वो फर्स्ट लीडिंग कैंसर है। सो वो कब पता चलता है, लास्ट स्टेज में होता है तब पता चल जाए। तो इससे बेटर है कि अभी से हम जैसे नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है, हम स्क्रीनिंग कराए तो हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग में कुछ पॉजिटिव आता है तो हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जा सकते हैं, बायोप्सी के लिए जा सकते हैं एंड फिर हमारा मीन्स कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं CA यश कुनावत, रोटरी क्लब उदयपुर युवा का आने वाला अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर जो कि एक गंभीर बीमारी है, उसके अवेयरनेस के लिए और उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए रोटरी क्लब उदयपुर युवा ने अरावली हॉस्पिटल के साथ मिलकर इस कैंप की शुरुआत की है। तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। उसके बाद मैं मेवाड़ न्यूज़ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्री छोकालाल जी भोई साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस कैंप को आम जनता तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया और इस अवेयरनेस कैंप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके उसके लिए इसको कवर किया। धन्यवाद। मेरा नाम अमित जैन है, मैं रोटरी क्लब युवा का मेम्बर हूँ एंड मैं अपकमिंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी हूँ एंड मैं छोकालाल जी भोई का एंड पूरी मेवाड़ न्यूज़ चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो समय पर आए, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम को उन्होंने कवर किया। ये जो प्रोग्राम है ये ऑलरेडी हम लोग भिंडर में हमारा चालू है एंड सलुम्बर में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, तो उससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है और रोटरी क्लब युवा एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ा रहा है लोगों में और सारे ये सब ट्रीटमेंट जो है इससे जितने भी लोगों को हेल्प मिल रही है वो उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए बैंगलोर की कंपनी और उन सब का सहयोग मिला है और उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है और मैं रोटरी क्लब युवा की सचिव हूँ और हम लोग ने अभी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग का कैंप ऑर्गेनाइज किया है अरावली हॉस्पिटल की मदद से। और मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि रोटरी इंटरनेशनल एक जानी मानी संस्था है, हमारे 2.5 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड हैं और इंडिया में प्रोजेक्ट मलार के नाम से ये पूरे देश में ये स्क्रीनिंग चल रही है और हमारे पास हमारे जो रोटेरियंस साउथ इंडिया में हैं, बैंगलोर में हैं, तमिलनाडु में हैं, इस प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन हैं रोटेरियन KC बाबू, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्हीं के सहयोग से ये पूरे इंडिया में हर जगह पॉसिबल हो पा रहा है और उदयपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब निर्मल कुनावत जी ने हमारे क्लब को चुना इस काम के लिए। इसके लिए हम सबको बहुत ही हम सबको गर्व है और हम सब उनके आभारी हैं। एंड मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि रोटरी काफ़ी चीज़ों पे काम करती है, हमारे 7 फोकस एरियाज़ हैं, उसमें एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है और उसमें एक है मैटर्नल हेल्थ एंड चाइल्ड केयर, तो उसी के तहत हमने ये कोशिश करी है। आप सब प्लीज़ इस कैंप में आएँ, 12 टू 3 आपको जैसे बताया है हमारे कॉलीग्स ने, आप आएँ और अपनी स्क्रीनिंग कराएँ और इसका लाभ उठाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।